जहां एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है, और इसके साथ साथ जो संस्थाएं हैं वो भी आगे आने लगी हैं। कोई संस्था मास्क बांट रही है तो कई लोगों को कोई जागरूक कर रहा है। वहीं महात्मा ओम बुद्ध योग संस्थान की तरफ से जो ड्यूटी पर खड़े कर्मचारी हैं उनको ग्लोए का काढ़ा पिलाकर उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का भी बीड़ा उठाया गया है। महात्मा बुद्ध योग संस्थान की तरफ से नरेंद्र योगी के द्वारा चौक चौराहों पर खड़े पुलिस कर्मचारियों को ग्लोए का काढ़ा पिलाकर उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसके चलते वो पूरे सिरसा शहर के चौक चौराहों पर गए और जो कर्मचारी खड़े हैं उनको काढ़ा पिलाया व उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने व इस महामारी से बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये जी हमारी संस्था है महात्मा बुद्ध योग संस्थान, जो पिछले 10-12 साल से सिरसा के अंदर योग क्लासें लगा रही है निःशुल्क। और इसी में अभी कोरोना काल जैसे चल रहा है ये पिछले साल से ही, तो हम गिलोय का काढ़ा डोर टू डोर पिला रहे हैं पब्लिक को भी और प्रशासन को भी। अभी 2 दिन का लॉकडाउन फिर से हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं इन लोगों को गिलोय का काढ़ा पिलाया जाए। गिलोय से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है हमारी, और साथ में ही कोरोना जो है ये कोरोना, इससे छूट मिल सकती है। कोरोना अगर हो जाए और गिलोय पिला दी जाए लगातार उसको, तो कोरोना से भी मुक्ति हम पा सकते हैं। और गिलोय से पीलिया है और पेट के रोग हैं, बाथरूम संबंधी रोग हैं, काफ़ी रोग इससे जो है ना, ऐसे 50 रोग हैं जिससे गिलोय पीने से ठीक हो जाते हैं हमारे। और गिलोय तो हमारी संस्कृति में जो है अमृत वाली बोला गया कि अमृत के समान है ये। गिलोय का छोटा सा टुकड़ा लेकर के अगर आप इतना से छोटा टुकड़ा उबाल करके डेली पी लिया जाए तो कभी आपको रोग लगेंगे ही नहीं, कोई भी रोग आपको नहीं लगेगा। नहीं, ये हमारा प्रयास लगातार ही चलता रहता है। हमारी योग क्लासों में हर रोज़ निःशुल्क पिलाया जाता है, और हमारे शहर में भी हम लोग जो है आयुर्वेद का प्रचार हो भी, जैसे जो हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं बड़ी सस्ती हैं और निःशुल्क हैं, कहीं जगह जगह ये गिलोय है हर घर में लगी हुई है, हर खेत में मिल जाएगी, कहीं भी बाहर वाले एरिया में कहीं भी मिल जाएगी उगी हुई, तो ये इतनी अमृत के समान है गिलोय। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो देश आयुर्वेद होता था किसी समय, आयुर्वेद के लिए हम बड़े फेमस थे, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश फिर से आयुर्वेद के मामले में जो है आगे बढ़े। हमारा आयुर्वेद का भी प्रचार होता है और हम लगातार जो है ये निःशुल्क पिला रहे हैं लोगों को गिलोय का काढ़ा हर रोज़। कोई कोरोना में तो ये तो ज़रूरी है पिलाना, लेकिन वैसे भी हम लोग निःशुल्क पिलाते रह रहे हैं हमारे शहर में।